हर हर शंकर, जय जय शंकर। हर रोग का इलाज है इनके पास, लोग इन्हें कहते हैं डॉक्टर हनुमान। कलयुग में सिर्फ हनुमान ही ऐसे देवता हैं जो आपके कष्टों को दूर करेंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर रहने को कहा था। यही कारण है कि आज बजरंगबली के नाम मात्र लेने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान महाराज जी का ऐसा ही रूप है दंदरोआ सरकार, जिसे लोग डॉक्टर हनुमान के नाम से भी जानते हैं। ग्वालियर मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर और भिंड जिले में स्थित दंदरोआ सरकार पूरे देश में विख्यात है। यहाँ देश विदेश के हजारों श्रद्धालु रोज भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और डॉक्टर हनुमान उनके सभी असाध्य रोगों का सटीक इलाज करते हैं। यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं और हनुमान जी की भूति से रोगों से मुक्ति पाते हैं। डॉक्टर हनुमान तो सभी प्रकार की बीमारियों के डॉक्टर हैं, लेकिन फोड़े, मुहासे और त्वचा संबंधी रोगों के लिए हनुमान जी की भभूति कारगर इलाज है। यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नृत्य की मुद्रा में है। यह देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति करीब 300 साल पुरानी है और यह दिव्य मूर्ति एक तालाब में मिली थी, जिसे बाद में मिते बाबा नाम के एक संत ने यहाँ मंदिर में स्थापित करवाया। तब से मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की गई। श्रद्धालुओं के विशेष रूप में फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां भी मंदिर की 5 परिक्रमा करने पर ठीक हो जाती हैं, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। श्रद्धालुओं का दर्द दूर करने वाले हनुमान जी को पहले दर्द हरोआ कहा जाने लगा, जो कि अप्रभंश होकर दंदरोआ हो गया। ग्वालियर शहर में लकड़खाने के पास खौखों वाले हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी महाराज का यह रूप सभी रोगों को मिटाने वाला है। खासतौर से यहाँ खांसी के मरीज आते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ जाने वाले लोगों की कैसी भी पुरानी खांसी हो, यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से वे सही हो जाते हैं। विश्वास है तो भगवान है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सदैव जपते रहिए हर हर महादेव।